वो बाप रे बाप, कैसे रहती है लड़की। इससे ज्यादा साफ मेरा कबर्ड तब हुआ करता था जब मैं स्कूल में था। लगता है कि सिर्फ माँ और बेटी के रिश्ते को ठीक करने से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ ठीक करना पड़ेगा सेठ। बड़ी जिम्मेदारी है जमाई जी के कंधों पर। अब चाहे जो हो, लोग मुझे कितना भी गलत समझें, अपने इस नए परिवार को जोड़े रखूंगा मैं। अब तक जो जिम्मेदारियां औरतों ने बखूबी निभाई हैं, आज से वो जिम्मेदारी निभाने में मैं भी उनका साथ दूंगा। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके? हम आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बुआ जी। गुड मॉर्निंग जमाई जी। जमाई जी, मेरे मॉम डैड ने इतने प्यार से मेरा नाम रखा है सिद्धार्थ को। क्रेजा सिद्धार्थ कुकरेजा, तो मुझे सिड बुलाइए आप लोग। सिड, ये जमाई जी भाई जी बहुत पुराना हो गया। सिड, नींद पूरी हुई? अच्छे से। अच्छा अच्छा, चलो आओ नाश्ता करो, बैठो। गुड मॉर्निंग। ओहो सिड, ये क्या? इट्स अ यंग, बूढ़े लोगों के पाउच में। जवान नहीं है ये, इसका दिमाग बच्चों जैसा है। It's not just a young chachi ji, it's a very, very, very beautiful. देखा? Oh ho! क्या बात है, सलाम आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णो, और साथ साथ I love you. Stop calling me that, okay? अपनी बकवास अपने पास ही रखो। मैंने क्या बोला? ओ सासू मॉम, अरे वो तो बोलना पड़ेगा ना। अब मैं आपको नाम से तो बुला नहीं सकता ना, अब रिश्ते का भी कुछ लिहाज होता है, कुछ रिस्पेक्ट होती है, रखनी पड़ेगी। अब मैं डीडी डीडी करके बोलूंगा तो लोग तो हंसेंगे ना, देखो चाची जी भी हंस रही है। देखिए इसीलिए आज से आप मेरी सासू मॉम, मैं आपका जमाई राजा, इस घर में बजेगा, आप खुशियों का बैंड बजा, क्या बोलती है? अरे वाह, कितना कुछ है, थेपला ढोकला सैंडविच, मतलब अब सासू माँ ऐसे भी मत देखिए मुझको, कहीं ऐसा ना हो कि आपको मुझसे प्यार हो जाए। नहीं, क्योंकि प्यार हो गया तो मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा आपको। आपको पता है मुझे सासू माम की बेस्ट बात क्या लगती है? ये कि मेरी सासू माम कभी नहीं बदलती, नेवर। आज भी इनकी प्लेट में फ्रूट्स वैसे ही पड़े हुए हैं जैसे उस दिन पड़े हुए थे जिस दिन वो मुझसे पहली बार मिली थी। आपको याद है वो दिन? आपको याद है क्या दिन था वो? वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता ना सासू माम। अच्छा सबको पता ही नहीं है ना? अरे मैं और सासू माम मिल चुके हैं फ्लाइट में। उस दिन भी सासू माम की प्लेट में फ्रूट्स ऐसे ही पड़े थे जैसे आज पड़े हुए हैं, और इन्होंने अपनी प्लेट में फ्रूट्स छोड़ दिए थे और मैंने इनकी प्लेट से फ्रूट लेके खा लिए थे, तो इनको लगा कि कितना मुफ्तखोर लड़का है। क्या बेटा, इसे मुंह क्यों लटका रखा है? मैं सिद्ध को जानती हूँ, देखना वो सब कुछ ठीक कर देगा। जा। ऐसे कैसे कर सकता है सिड? आगे देखे लग रहा है जैसे रात भर सोई नहीं है रोशनी। अरे भाई, अभी अभी तो तुमने कहा ना कि सिड सब कुछ ठीक कर देगा। रोशनी पूरी रात नहीं सोई, तुम्हें क्या लगता है सिड पूरी रात सोया होगा? नहीं ना, मैं जानता हूं अपने बेटे को, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। भरोसा रखो। भरोसा रखिए मां, भरोसा रखिए मुझ पर। सिड कमाल है यार। कह दीजिए सिर्फ,
कि अब क्यों आए हैं यहाँ पर, चला जाए यहाँ से। इसे जरा सा भी अंदाजा है कि हमारी रात कैसे बीती होगी, या फिर इसकी पत्नी की। बेचारी अपनी शादी की पहली रात को अपने पति की राह देखती रही। कह दीजिए चला जाए यहां से। ये एक बार अपने बेटे को देखेंगे भी नहीं। और मुझे ये बताइए, क्या आपको अंदाजा है कि आपके बेटे ने रात कैसे बिताई? मां पिघल जाएगी, इस बात का फायदा उठा रहा है ना तू। मॉम, I'm sorry मॉम, मैं जानता हूं मैंने आपको तकलीफ दी है, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी है। सिद्धार्थ कुकरेजा जी, मैं हूं, कहिए। अरेस्ट करो। अरेस्ट मतलब क्या है? आपको मुझे यह बताना होगा कि मेरा कसूर क्या है। और सुनिए, अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत होती है, है आपके पास? अटेम्प्ट टू मर्डर? जी हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस है आपके बेटे पर। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी इंस्पेक्टर साहब। ये झूठ है, कृष मेहता ने कंप्लेन की है। कृष? वो फिलहाल सिटी हॉस्पिटल में एडमिटेड है और आपके बेटे ने उनको मारने की कोशिश की थी। कहा था मैं, मत करो उस डीटी पे भरोसा, नहीं माने ना तो देख लिया, करवा दिया अरेस्ट तुम्हें। मैं जानती थी वो औरत कभी बाज नहीं आएगी। बड़े आए थे तुम माँ और बेटी का रिश्ता सुलझाने। देखिए मैडम, आप लोगों जो भी बात करनी है प्लीज पुलिस स्टेशन में आके कीजिए। नो सिद्धार्थ, दो प्लीज। रोशनी, रोशनी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एंड यू, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो। माफ करिए ना माँ, इसे कैसे लेके जा सकते उसको माँ। आप कुछ करिए ना जी प्लीज। मैंने क्रिश को मारा था। क्या? What? हाँ। क्यों किया ऐसे सिद्धार्थ तुमने? अरे बाबा, इसलिए क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहता था। शादी के दिन जब मैं तैयार हो रहा था तो चेंजिंग रूम में क्रिश आया था। ये तो मानना पड़ेगा कि मैं शेरवानी में बेटर लग रहा हूं, तो तुम्हें आने की क्या जरूरत है? क्या बकवास कर रहा है तू? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।